हेलो एंड वेलकम गाइस। तो जिन लोगों का WBJEE के एग्ज़ाम में लो रैंक आया है, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि 70,000 तक गया है, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा अच्छा कॉलेज लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप लोग पहली बार WBJEE के एग्जाम दिए हो, आप लोग को काउंसलिंग वगैरह नहीं आता है या फिर काउंसलिंग वगैरह नहीं कर पाते हो, तो देखिए आप लोग हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोग को फुल सपोर्ट मिलेगा, कैसे काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने का कोशिश करेंगे। राउंड वन से लेकर लास्ट राउंड तक, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, मॉप अप, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, जितना भी काउंसलिंग होता है सारा काउंसलिंग हम लोग करके देंगे, पूरा आपका A to Z। और एडमिशन के लिए कैसे आना है, कैसे जाना है, तो ये पूरा आपको A to Z सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस हम लोग ओनली 499 रुपीज रखे हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है आपके लिए, क्योंकि देखिए पूरा काउंसलिंग हम लोग कर देंगे। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बार ज्यादा स्टूडेंट लोगों को नहीं लेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है होम स्टेट वालों के लिए भी और बाहर के जो स्टूडेंट हैं यानी आउटर स्टेट वालों के लिए भी। तो इसका कट ऑफ हम लोग देखते हैं, तो कट ऑफ देख सकते हैं, अगर आपको BTEC करना है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसका जो ओपनिंग रैंक है 21,308 है और क्लोजिंग रैंक है 72,000 तक इसका क्लोजिंग रैंक गया है, ठीक है। तो जिसका 70,000 के आसपास आ रहा भैया, तो आप लोग देख सकते हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा, ठीक है। होम स्टेट वाले लोग का भी देख सकते हैं, 17,000 से स्टार्ट है और 70,000 तक गया है इसका क्लोजिंग रैंक, है ना। तो 70,000 के आसपास आपका आ रहा, तो आराम से ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा भैया, 18,000 से स्टार्ट होकर 78,000 तक इसका कट ऑफ जाता है, समझ रहे हो, मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो 70,000 के आसपास आपका आ रहा, 75,000 के आसपास, तो आराम से कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपको करना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी गया 78,000 तक, 78,000 तक गया है। और अगर आपको IT में देना है तो IT वाला लोग के लिए भी काफ़ी अच्छा कॉलेज आप लोग देख सकते हैं, 67,000 से तक गया है आउटर स्टेट वालों लोग के लिए, और होम स्टेट वालों लोग के लिए 77,000 तक गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज अभी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, 89,000 से 80,000 तक गया है, देख सकते हैं 89,000 आउटर स्टेट वालों के लिए और 80,000 जो गया है होम स्टेट वालों के लिए। अगर आपका रैंक थोड़ा अच्छा नहीं आया तो ये कॉलेज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और इस कॉलेज के बारे में और भी कुछ अगर जानकारी आपको लेना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, नहीं तो गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो कॉलेज आता हुआ है JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है लो रैंक वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। इस कॉलेज की कट ऑफ की बात किया जाए तो BTEC इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, होम स्टेट वाला का कट ऑफ जो है 9,000 से 70,000 के बीच गया है, और जनरल है जो आउटर साइड से उनका 6,482 से 73,000 तक गया है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है जिनको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना है। उसके सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, 24,000 से 89,000 तक गया है होम स्टेट वाले लोग का, और आउटर स्टेट वालों का 32,000 से 78,000 तक गया है। 32,000 जो है ओपनिंग रैंक है और 78,000 जो है क्लोजिंग रैंक है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है भैया, देख सकते हैं, आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है तो। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 12,000 से 44,000 तक गया है होम स्टेट वालों का, और जो आउटर स्टेट वालों का है वो 1,000 से 42,000 तक गया है, ठीक है। तो अगर आपका 41-42,000 के आसपास आ रहा तो ये कॉलेज ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ये देख सकते हैं, इसका होम स्टेट वालों के लिए 24,000 से 89,000 तक गया है, 80,000 के लगभग आसपास गया है, और आउटर स्टेट वाले लोग का 27,000 से 70,000 के आसपास गया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज, इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट है। इसका फ़ी देख सकते हैं, इसका फ़ी है 4 लाख और प्लेसमेंट 0.4 to 3.8 लाख पर MM तक इसका एवरेज प्लेसमेंट है, क्योंकि तो काफ़ी अच्छा है और हाईएस्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि ये एवरेज है तो इतना कम है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है। तो बंगाल का जितना कॉलेज है सबका प्लेसमेंट काफ़ी ठीक ठाक होता है, ऐसा बात नहीं है, खराब प्लेसमेंट नहीं होता है, ओके। उसके बाद जो कॉलेज आता हुआ है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और जो मैंने पहला कॉलेज बताया था बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। वो था बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ये है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT। तो इसका कट ऑफ देखते हैं, तो इसका कट ऑफ देखा जाए तो BTEC इन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जनरल होम स्टेट वाले लोग के लिए जो है 4,100 से 60,000 तक गया है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देख सकते हैं 11,000 से 53,000 तक है होम स्टेट वाले लोग के लिए, और आउटर स्टेट वाले लोग के लिए भी मतलब 53,000 के आसपास गया है। तो जिनका रैंक 50,000-51,000 आ रहा हो तो कंप्यूटर साइंस इसमें ले सकते हैं आराम से, ठीक है। और BTEC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देख सकते हैं 89,000 तक गया है, यानी 80,000 के आसपास तक गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है इसमें, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छा रैंक लाना पड़ता है 11,000-12,000 के आसपास। तो इसका फ़ी की बात की जाए तो 3 लाख के आसपास का फ़ी है, और प्लेसमेंट जो है वो 3.5 लाख से 4 लाख तक इसका प्लेसमेंट हो जाता है एवरेज। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद जो कॉलेज आता हुआ है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी अच्छा और फेमस कॉलेज में से एक है।
इसका अगर कट ऑफ की बात की जाए तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ काफ़ी अच्छा है, 39,000 से लेकर 89,000 तक इसका गया है आउटर स्टेट वालों के लिए, और होम स्टेट वालों के लिए 29,000 से 59,000 तक गया है। ये इस साल काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं कहीं पर रह जाएगा, थोड़ा मतलब 80,000 के आसपास चल जाएगा आउटर स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए फिर 65,000 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अच्छा खासा मार्क्स चाहिए तो 19,000 से 56,000 तक गया है, ठीक है, तो काफ़ी ठीक ठाक है। और होम स्टेट वालों के लिए देख सकते हैं 63,000 तक गया है। इसका फ़ी की बात की जाए तो 4,00,000 के आसपास इसका फ़ी है, और प्लेसमेंट जो है प्लेसमेंट भी 4,00,000 से 5,00,000 के बीच में एवरेज प्लेसमेंट। उसके बाद जो कॉलेज आता है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन कोलकाता, ये कोलकाता में है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट जो है ना काफ़ी अच्छा खासा है, एवरेज पैकेज जो है 5,00,000 के आसपास है, और इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 27 से 30,00,000 तक चला जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका कट ऑफ की बात की जाए, बीटेक इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट वाला का जो कट ऑफ है वो 64,000 तक गया है, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग का दिया है आपका 78,000 तक गया है, तो 70,000-78,000 में आराम से सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाला लोग आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला लोग के लिए थोड़ा सा मतलब टफ है, क्योंकि 19,000 तक जाता है इसका कंप्यूटर साइंस वाला लोग, 19 से 20 या कभी कभी 21,000 तक चला जाता है इसका कट ऑफ, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाला लोग के लिए ये शायद नहीं मिल सकता है, लेकिन सिविल वाला लोग आराम से ले सकते हैं, पूरा 78,000 तक जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हैं 76,000 जाता है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं आईटी का भी जाता है आपका 27,000 के आसपास, तो आईटी और कंप्यूटर साइंस का वाला लोग के लिए थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। और बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं यहाँ पे आपका 80,000 तक गया है, ठीक है, तो भी एक काफ़ी अच्छा खासा कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज आप लोग देख सकते हैं अगर आपका लो रैंक आ रहा तो, ठीक है, तो अगर आप कोई WBJEE से रिलेटेड या फिर और भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।